जो वो बहुत इट्स वेरी सैडनिंग एंड वेरी शॉकिंग. सिद्धार्थ को मैं बहुत अरसे से मिला नहीं था, बट हमने एक साथ काम किया था झलक में बहुत पहले. एंड ही इज अ ब्रिलियंट, ही विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग. एंड बहुत अच्छी यादें हैं. एंड आई एम श्योर के जितने लोगों को भी मौका मिला सिद्धार्थ से मिलने का, वो यही कहेंगे कि दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था. एंड विल ऑलवेज मिस हिम. टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है बोल रहे हैं. It is. Yeah, he's one of the most good looking and the most talented actors we had. कमी तो खलेगी सिद्धार्थ की हमेशा, तो कोई दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला हो नहीं सकता. और कोशिश भी मत करना क्योंकि बन नहीं पाएगा. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू मैम. मैम आप कुछ बोलेंगे? It's just मैं ऑब्वियसली पर्सनल नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ को, लेकिन वो इतना काम कर चुके हैं कि उनके साथ उनके हर कैरेक्टर से कनेक्ट ऑब्वियसली मेरा हो चुका था. बट ऐसी खबरें इतनी सुनी है ना पिछले सालों में, हमने हमारे इतने को एक्टर्स या फेलो एक्टर्स को खोया है पर्सनली कोविड की वजह से. फैमिलीज में इतना लॉस हुआ है कि अब एक वो स्टेज होती है नमनेस की ना, वो आ गई है कि ना ज़्यादा दुख होता है ना ज़्यादा खुशी होती. लाइफ ऐसी हो गई है कि अच्छा एक और, अच्छा एक और लॉस. Words, but life is very flat now. Flatline jaisi life hogi hai. So yeah, but my heart goes out to his mother. My heart goes out to Shehnaz. The loss is irreparable. Hamara kuch kehna karna will never help. This is a scar. Zindagi bhar rahega unke paas. But the strength they got, that's all. Thank you.